नमस्कार, मैं निष्ठा शर्मा, आप सबका स्वागत है एमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन 24 अगस्त 1969 में वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। 24 अगस्त 1969 को वाराहगिरी वेंकट गिरी ने भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर खुशवंत सिंह ने इन्हें तब तक के सारे राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक दुर्बल राष्ट्रपति कहकर उल्लेखित किया था। भारत रत्न से सम्मानित वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केरल के राज्यपाल और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। आज ही के दिन 24 अगस्त 1456 में जर्मनी में छापा मशीन से बाइबल की पहली प्रति छापी गई। गुटेनबर्ग ने बाइबल की 300 प्रतियां प्रकाशित कर पेरिस और फ्रांस देशों को भेजी। गुटेनबर्ग बाइबल लैटिन भाषा में छपी थी। 1847 में गुटेनबर्ग बाइबल की पहली प्रति एक अमेरिकी नागरिक के साथ अमेरिका पहुंची। बाइबल की पहली प्रति को आज भी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में देखा जा सकता है। 1439 में योहानेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन बनाई थी। आज ही के दिन 24 अगस्त 2008 में बीजिंग में 29वें रियो ओलंपिक खेल का समापन हुआ था। 8 अगस्त को बीजिंग में रियो ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मेजबान शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हजारों चीनी युवा बतौर वॉलंटियर शहर की हर छोटी बड़ी सड़क पर देशी विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए मुस्तैद थे। चीन के अधिकतर लोगों को महज अपनी मातृभाषा ही आती है, लेकिन इन खेलों के दौरान चीन ने 22 भाषाओं के तकरीबन 12,000 भाषा विशेषज्ञों को बतौर वॉलंटियर तैनात किया था। आज के दिन 24 अगस्त 1908 में मशहूर क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी शहीद ए आजम, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों दोस्त थे। यह तीनों एक साथ मिलकर देश में फैले अंग्रेजी शासन को खत्म करना चाहते थे। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। आज ही के दिन 24 अगस्त 2000 को हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का निधन हुआ था। कल्याण जी वीरजी शाह हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी में से एक थे। कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंद संगीतबद्ध भी किए थे। भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय कल्याण जी को ही जाता है। वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा। 24 अगस्त दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। कार्यस्थल पर प्रमोशन मिलने के आसार हैं। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाइयों से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृष, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। ग्रह स्थिति जन्म स्थान से दूर ले जा सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेध रंग पीला व सिंदूरी। मिथुन, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। माता की कृपा प्राप्त होगी, जिससे लाभ होगा। स्वभाव में उग्रता एवं झुंझुलाहट बढ़ सकती है। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला तथा निषेध रंग पीला व लाल और गुलाबी। कर्क, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। अध्यापन, अभिनय, सूचना में बेहतरीन प्रदर्शन करने से पुरस्कार मिलेगा। नई नई योजनाएं बनाएंगे और उनका क्रियान्वयन संभव होगा। स्थान अंतरण के योग हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा व लाल। सिंह, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। रहन सहन और खान पान पर विशेष ध्यान न देने पर सेहत खराब हो जाएगी। आपको उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाइयों बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल।
कन्या आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 39%, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, कार्यों में प्रगति संभव होगी, आपके सोच विचार में गहनता आएगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कुछ व्यस्तता का अनुभव आपको हो सकता है, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है, शुभ रंग नीला काला तथा निषेध रंग लाल पीला व सफेद। आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%, परोपकार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, समय अनुकूल रहेगा, व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे, ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगी, कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है, शुभ रंग सफेद लाल तथा निषेध रंग पीला व गुलाबी। वृश्चिक, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%, नकारात्मकता बढ़ेगी, शोक समाचार प्राप्त होगा, नौकरी की दृष्टि से समय अनुकूल है, उपलब्धियों के अर्जित होने के समय है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बेरोजगारी दूर होने से प्रसन्नता रहेगी, अनावश्यक खर्च से योग है, शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%, परिवार में किसी से शादी तय होने की संभावना है, मुकदमे आदि का निर्णय आपके पक्ष में होगा, आवेश में आकर कोई निर्णय ना ले, लक्ष्य प्राप्ति के सतत प्रयास करें, समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है, परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग है, शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग काही व हरा। मकर, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%, घर में मांगलिक कार्यक्रमों से रूपरेखा तैयार होगी, डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें, आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी, करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं, शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग लाल व पीला। कुंभ, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे, वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी, करियर में अनुकूलताएं के योग हैं, शुभ रंग नीला काला हरा तथा निषेध रंग पीला व लाल और गुलाबी। मीन, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%, आपकी योजनाएं पूरी होंगी, परंतु गुप्त योजनाएं सबके सामने भी आ सकती हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, किसी अनुभवी से सलाहकार लेकर ही कोई काम करे, कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग है, शुभ रंग बसंती सिलेटी तथा निषेध रंग हरा व जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121266888 तथा 09370600006 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।